अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो 3.3 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर करने लगा हूँ मैम 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एंड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आए इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इनको यानी कि शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका मैंने पहाड़ा पड़ा 2, तो ये आ गया 2। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, जब मैं माइनस करूं तो माइनस का 3 आए। ठीक है, तो पहाड़ा है 2 1, 2 को 1 से ज़रब करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 माइनस का 1 इसको करूंगा तो ये मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद इनमें मैं कॉमन ले लूँगा, इसमें कॉमन लूँगा और इसमें कॉमन लूँगा, इसमें कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x, अंदर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यानी कि एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो एक एक्स रह जाएगा, इस एक्स में एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास ये एक्स माइनस 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास जो कॉमन है वो आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, इसको 1 पे तकसीम करूँगा तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर है माइनस, तो ये इसकी इलामत को चेंज कर देगा, ये माइनस 2 कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, और एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, अब इसकी फैक्टराइजेशन को हम देख लेते हैं। इसको मैंने इस पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आए 4 और जमा माइनस करने से आए माइनस का 5। ठीक है, तो ये पहाड़ा मेरे पास बनता है, ये है 5x, 2 और 2 4। ठीक है, तो ये आएगा 4 और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन की शर्त भी पूरी हो गई और माइनस का 4 माइनस का 1, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जमा माइनस वाली भी शर्त पूरी हो गई कि ये माइनस 5 भी आ गया है और मल्टीप्लाई करने से 2 + 2 = 4 भी मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको मैं लिखूँगा किस तरह से, लिखूँगा मैं इसको इस तरह से, मैं लिखूँगा 2x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें और इसमें मैं कॉमन लूँगा, इसमें मैं कॉमन ले लूँगा 2x। ठीक है, 2x कॉमन अगर मैंने लिया 2x, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा, जब मैं इसमें से 2x को करूँगा तो 2 भी कट जाएगा और 2x में से 1x कर जाएगा, तो बाकी 1x रह जाएगा माइनस, इसको 2 पर डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2, और x के साथ x कट जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, इंटू एक्स पे 1 को डिवाइड करूँगा तो x ही आ जाएगा, ये माइनस है तो अंदर की अलामत को चेंज कर देगा, और 2 के ऊपर 1 को डिवाइड करूँगा तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और
एक्स माइनस टू ठीक है इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ठीक है, ये मेरे पास अब आ गया हुआ है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अंडर रूट टू एक्स माइनस वन ठीक है और एक्स माइनस टू अंडर रूट ठीक है इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट माइनस टू एक्स माइनस वन अंडर रूट ठीक है और एक्स माइनस टू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अंडर रूट। अगर आप गौर से देखें और अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूँ ठीक है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक्स माइनस टू ये और ये इसमें कॉमन नज़र आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया एक्स माइनस टू ठीक है, अगर मैं इस पे एक्स माइनस टू को डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस टू को तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन अंडर रूट दरमियान में माइनस है ठीक है, इधर पर जब डिवाइड करूँगा तो ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अंडर रूट ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह की पोजीशन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस वन ठीक है, अब ये हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अंडर रूट माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बटा अंडर रूट एक्स माइनस टू ठीक है, ये वाला जो हमने कॉमन लिया था ये मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो गया, ये और ये इसके साथ कट जाएगा ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अंडर रूट माइनस टू एक्स माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू वन ठीक है, ये वन आ जाएगा वन बाय वन आ जाएगा, वन आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने कहा टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स ठीक है, बोथ साइड्स का स्क्वेयर रूट ले लिया ठीक है, ए स्क्वेयर बी का जिस तरह हम रूट ओपन करते हैं, पहले ये ए है ये माइनस ये बी है, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर माइनस ठीक है, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर टू ए बी ठीक है, ए का स्क्वेयर लिया एक्स माइनस वन का स्क्वेयर ठीक है प्लस टू एक्स माइनस वन अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन ठीक है, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा ये इसके साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दो एक्स और ये एक्स, ये हो गया थ्री एक्स, ये माइनस का वन और ये माइनस का वन, माइनस का टू और फिर ये माइनस का टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन ठीक है, कुछ इस तरह की शेप मेरे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि सॉरी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मेरा है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आया हूँ, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा थ्री एक्स ठीक है माइनस टू, ये प्लस का वन है उधर आके माइनस का वन हो जाएगा इज इक्वल टू, ये सारा इधर माइनस का है ये उधर जाके जमा का हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन ठीक है, टू एक्स माइनस वन ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू इंटू, ये अब आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई ठीक है, एक्स टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया टू एक्स स्क्वेयर ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया माइनस एक्स, माइनस वन को मल्टीप्लाई किया टू एक्स के साथ ये हो गया माइनस टू एक्स, और वन को वन से किया प्लस माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ इसको फिर इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है ठीक है, इसको मैंने अब मल्टीप्लीकेशन बार बार करके दिखाई हुई है इसमें, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, इधर जो है वो थ्री कॉमन आ जाएगा ये रह जाएगा एक्स माइनस वन ठीक है, कॉमन मतलब होता है
जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो डिवाइड होता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। इस पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा, इस पे डिवाइड होगा तो ये वन रह जाएगा, यानी कि अंदर एक्स माइनस वन रह जाएगा, बाहर थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू टू इंटू टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं इनका स्क्वेयर ले लूँगा दोनों साइड पे, इसका भी स्क्वेयर ले लिया, इसका भी स्क्वेयर ले लिया, ठीक है, इसका भी स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर। ठीक है, इसका स्क्वेयर 9 आ गया, इसका स्क्वेयर लिया तो आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस 2 फॉर्मूले का इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर लिया तो ये 4 आ गया, ये इसके साथ कट जाएगा, ये अंदर रह जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया 9, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर लिया 8 आ गया, ठीक है, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको इसके साथ किया 8 2 16, 16 एक्स स्क्वेयर 3 के साथ किया 24 माइनस, ठीक है, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 को 4 के साथ करूँगा तो ये 4 नहीं है, ये 2 है, और 2 का स्क्वेयर कितना आएगा 4, ठीक है, ये 4 आएगा, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वेयर 4 होगा, 4 को 2 के साथ किया तो मेरे पास आ गया 8 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर 4 को किया 3 के साथ तो ये आ गया जमा माइनस माइनस 12 एक्स जमा 4 1 4। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 एक्स स्क्वेयर, 9 को एक्स स्क्वेयर के साथ किया प्लस 9 1 9, और 9 माइनस का प्लस माइनस माइनस, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18 एक्स। ठीक है, अब आ गया 9 एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस का 8 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का 18 एक्स, ठीक है, ये माइनस का ये उधर आके हो जाएगा जमा का 12 एक्स। ठीक है, ये है जमा का 9, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसका रह जाएगा माइनस का 6x, ठीक है, और इसका रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने क्या करना है, सिंपली उसको इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। पहले 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा इसके ऊपर, 5 1 5, 5 आ गया। अब मैंने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 आए और जमा माइनस करने से जो है वो माइनस का 6 आए। तो मैं अगर पहाड़ा पढ़ता हूँ 5 ज़रब 1, तो ये 5 आ गया, और अगर करता हूँ माइनस का 5 और माइनस का 1 करता हूँ तो ये माइनस का 6 आ गया। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ये होगी एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x माइनस का 1x और जमा का 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लूँगा मैं, इसमें से कॉमन मेरा आ जाएगा एक्स। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया हुआ कि एक्स स्क्वेयर को मैं एक्स पे डिवाइड करूँगा और 5x को मैं डिवाइड करूँगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो कॉमन जब लूँगा ये 1x रह जाएगा यहाँ पे, और ये एक्स एक्स ख़त्म हो जाएगा, बाकी 5 रह जाएगा, तो ये इसका आंसर एक्स माइनस 5 आ रहा है, एक्स माइनस 5। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 इस पर किया तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर माइनस है, ठीक है, तो ये अंदर की जो अलामत जमा है उसको ये माइनस कर देगी। ठीक है, एक को डिवाइड किया 5 के ऊपर तो 5 ही आएगा, तो इसमें जो है ये एक्स माइनस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक्स 1 आ जाएगा तो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 1 और 5 जो है वो मेरा आंसर है, और यही आंसर है बुक के अंदर भी। ठीक है, आगे है जो वो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिस तरह से कि ये क्वेश्चन है, तो
उम्मीद करता हूँ कि उसको आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको ख़ुद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर हम नया इसकी जो आखिरी एक्सरसाइज है वही स्टार्ट करेंगे। अगर आखिरी क्वेश्चन में आपको कोई मसला होगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा उस क्वेश्चन की, तो मैं वो क्वेश्चन भी बना के उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर अभी इसके बाद 3.4 के कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करते हैं।